बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें, हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।